Dear students, I am Kamalji Singh and I am teaching physics in Government Senior Secondary School, Chumba, District Bathinda. Aaj apan plus one physics de properties of matter unit de vichon ek bahut hi important topic Bernoulli's theorem nu discuss karange. Taan eh topic nu discuss karan to pehla main kuch chote chote jehde hor topic hai जिहड़े आपां इस थ्योरम दे विच यूज करने हैं उन्होंने डिस्कस करना चाहूँगा. सब तो पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अकॉर्डिंगली की है. सपोज करो अपने को एक पाइप है, ट्यूब है, एदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन वेरिएबल है. इधर एरिया ज़्यादा है, इधरले पासे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन घट है. मीनस ए वन ग्रेटर दैन ए टू है. आप इस लिक्विड एंटर कर दें, देखो लिक्विड एंटर कर दें तो अपनी एक कंडीशन भी है कि ट्यूब कितों ब्रेक नहीं हैगी. तो अपन पता है ट्यूब के एक एंड तो जिन्ना लिक्विड भेजा जाता है उन्ना ही लिक्विड ट्यूब के दूसरे एंड तो आउट हो जाता है. तो हुण सपोज करो लिक्विड बी वन स्पीड ने एंटर करता है तो इतों बी टू स्पीड के नाल एग्जिट होंगे. सपोज करो लिक्विड जरा एंटर करा रहे हैं, एंटर करन दे टाइम उसकी डेंसिटी रो वन है तो जो एग्जिट होंगे उसकी डेंसिटी रो टू है. हुण लिक्विड का जिन्ना मास पर सैकेंड ट्यूब दे विच एंटर होएगा उन्ना ही मास पर सैकेंड ट्यूब चो एग्जिट होएगा. यही अपने को इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है. हुण आपां लिखांगे मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग इन टू द ट्यूब ए वन बी वन रो वन इज इक्वल टू मास ऑफ द ट्यूब मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग फ्रॉम द ट्यूब ए टू वी टू रो टू. सपोज करो जिहड़ा आपां लिक्विड है वह इनकंप्रैसीबल यूज कर रहे हैं. इनकंप्रैसीबल लिक्विड होंदा है जिहदी डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ना चेंज नहीं होंगी गी. सपोज करो इतों आपां जिहड़ा लिक्विड भेजे आ वह रो डेंसिटी दा सी तो जो एग्जिट होकर आएगा वो भी डेंसिटी कितनी होएगी रो. तो यह चीज़ जो आप इतने अप्लाई करांगे ए वन बी वन रो इज इक्वल टू ए टू बी टू रो. सपोज ये लिक्विड का मास एम है, ठीक है, एम मास आप एंटर करवाया सी एम ही मास इतों एग्जिट हो रहा, यानी ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू इज इक्वल टू एम अपॉन रो. ठीक है, तो आ अपने को इक्वेशन है जी ओ बन जाती है. तो हुण इत्थे मेनली आ क्वेश्चन आप इत्थे यूज करते हैं. यह अपने को बन गई वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग इन टू द ट्यूब पर सैकेंड. यह हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एग्जिट फ्रॉम द ट्यूब पर सैकेंड. यह हैगी इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी. एक तो आपने आ क्वेश्चन यूज करनी है, ठीक है, मेनली इस आ वाला कॉन्सैप्ट आप इत्थे लगावे. दूसरा असी लिक्विड की एनर्जी बारे थोनों दसना चाहते हैं. लिक्विड को थ्री काइंडस की एनर्जी होया करती है. पहली एनर्जी हैगी अपने को प्रेशर एनर्जी. तो प्रेशर एनर्जी देखो अपने को की है, प्रेशर एनर्जी, ठीक है ना, नाम तो ही पता लगी जाता है कि लिक्विड दे प्रेशर की एनर्जी होनी अपने को, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, हुण आपां लिक्विड की एक एनर्जी डिस्कस करांगे, उन्हों कहिंदे आ प्रेशर एनर्जी. तो यह देखने दे लिए सपोज करो अपने को लिक्विड एक कंटेनर दे विच पाया होया. कंटेनर दे साइड पर एक ट्यूब लगी हुई है, ट्यूब के नाल पिस्टन फिट किया हुआ. मीनस ये सिलेंडर तो पिस्टन वाला सिस्टम बन गया. सपोज यह जो पिस्टन है यदा एरिया क्रॉस सैक्शन समाल ए है, तो पिस्टन के सेंटर तो लिक्विड है जोड़ा एच हाइट पर है. तो यह आप कर चुके हैं जी, एच हाइट का लिक्विड है, रो लिक्विड की डेंसिटी है, तो लिक्विड का प्रेशर कितना होएगा एच रो जी. मीनस लिक्विड इस पिस्टन पर आउटवर्ड डायरेक्शन पर प्रेशर कितना ला रहा है पी इज इक्वल टू एच रो जी. इट मीनस पिस्टन पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है प्रेशर इन टू एरिया. पिस्टन पर एनी फोर्स जी हैगी अप्लाई हो रही है. आपने की करना है एनी फोर्स ही पिस्टन पर लानी है तो पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शन एक्स डिस्टेंस पुट कर पुश कर देना इनवर्ड डायरेक्शन. वो पुश भी इदा करना है कि लिक्विड न जोड़ा लैवल राइज होना है वह आलमोस्ट निगलिजिबल हो भी. मीनस कि हाइट आलमोस्ट एच रहेगी, असं पिस्टन थोड़ा जि इनवर्ड पुश करा उस वर्क डन आपने कैलकुलेट करना है. तो वर्क डन की होएगा फोर्स इन टू डिस्टेंस.
फोर्स अपना वैल्यू पहला फाइंड आउट कर चुके हैं पी ए इंटू एक्स तो इन्ना अपन वर्क डन करना पेगा। हूँ पिस्टन इनवर्ड पुश करने के लिए जोड़ा अपन वर्क डन प्रैशर के अगेंस्ट करना पै वो लिक्विड की प्रैशर एनर्जी स्टोर होगा। तो प्रैशर एनर्जी की डेफिनेशन अपने को हो जूगी वर्क डन इन पुशिंग द पिस्टन अगेंस्ट द प्रैशर ऑफ द लिक्विड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ प्रैशर एनर्जी। तो बाय डेफिनेशन यह जो अपने वर्क डन किया ये लिक्विड की प्रैशर एनर्जी से जमा हो जाएगा प्रैशर एनर्जी पी ए इंटू एक्स। हूँ आप इतों देखिए जो पिस्टन इतों की बजाय इतों तक आप मूव करवा दिता एक्स डिस्टेंस तो लिक्विड का इन्ना वॉल्यूम जो आप शेड कर रहे हैं ये पिस्टन के राही इस सिलेंडर के इस बीकर के पुश हो चुका है वो सिलेंडर वॉल्यूम इन्ना थोड़ा है कि हाइट जी है वो आलमोस्ट सेम है ठीक है हाइट उन्नी रहेगी। तो ए इंटू एक्स की हैगा अपने को वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है जो पुश होया फिर आ जी एनर्जी है ना इनू आप प्रैशर एनर्जी कहने तो प्रैशर एनर्जी का फॉर्मूला फिर की हो गया अपने को लिक्विड की प्रैशर एनर्जी का फॉर्मूला प्रैशर इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम कि लिक्विड का वो वॉल्यूम जोड़ा आप इस बीकर इनवर्ड पुश किया तो आने को प्रैशर एनर्जी का फॉर्मूला है। हूँ देखो प्रैशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की होएगा प्रैशर एनर्जी कैपिटल पी इज इक्वल टू समॉल पी इंटू बी है तो आप प्रैशर एनर्जी जो वॉल्यूम नाल डिवाइड कर दिए तो अपने को प्रैशर आ जाएगा फिर प्रैशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड के प्रैशर के बराबर होंगी है। इदा ही जे आप प्रैशर एनर्जी को डेंसिटी ना डिवाइड कर दिए यानी प्रैशर एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी लभनी हो अपने को फॉर्मूला आएगा पी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी ठीक है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। तो आने को प्रैशर एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी का फॉर्मूला है। हूँ आप प्रैशर एनर्जी पर यूनिट मास भी देखना है तो इस प्रैशर एनर्जी को लिक्विड के मास ना डिवाइड कर दो प्रैशर एनर्जी से पी इंटू वी इनू लिक्विड के मास ना डिवाइड कर दो इनू आप इस इक्वेशन इस तरह भी लिख सकते हैं पी एम अपॉन वी पी अपॉन रो। तो आ अपने को प्रैशर एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला है यह अपने को प्रैशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है यह अपने को प्रैशर एनर्जी का फॉर्मूला है। तो होप तुहानू प्रैशर एनर्जी बारे पता लग गया होएगा यह फॉर्मूला आप अगे यूज करांगे। डियर स्टूडेंट्स आप नैक्सट जो सब टॉपिक आप डिस्कस करांगे वो है अपने को कनैटिक एनर्जी वाला टॉपिक तुसी पहला भी डिस्कस कर चुके हो पर इतने आप करांगे कनैटिक एनर्जी ऑफ ए लिक्विड। सपोज कर लो अपने को कंटेनर है ये साइड पर एक पाइप लगी हुई है इस पाइप में पहले आप ब्लॉक किया हो किसी ब्लॉकेज के नाल उदू बाद इसे लिक्विड फिल कर दिता उदू बाद जो ब्लॉकेज हटावे लिक्विड वी वेलोसिटी नाल आउट होएगा। सपोज एम मास लिक्विड का वी वेलोसिटी नाल एग्जिट हो रहा तो एर को कनैटिक एनर्जी कि आएगी हाफ एम बी स्क्वायर। तो अपने को लिक्विड की कनैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता हाफ एम बी स्क्वायर। उस तरह जो कनैटिक एनर्जी को मास नाल डिवाइड करांगे अपने को फॉर्मूला बन जाएगा हाफ बी स्क्वायर मीनस कनैटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर। इसे फॉर्मूले कनैटिक एनर्जी को जो अपना वॉल्यूम ना डिवाइड करांगे तो अपने को फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन रो बी स्क्वायर कनैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कनैटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड कनैटिक एनर्जी। ये तीन तरीके आप लिक्विड की कनैटिक एनर्जी लिख सकते हैं। इदा ही अपने अपने को पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी भी आप ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं बिल्कुल उही कंसैप्ट इतने अपने को यूज होगा। सपोज कर लो अपने को एक कंटेनर के लिक्विड पाया हुआ है तो लिक्विड की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो ग्राउंड के सरफेस तो एच हाइट पर है। सपोज लिक्विड का मास कितना है एम तो इस लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी एच। इस पोटेंशियल एनर्जी को आप मास नाल डिवाइड करना है तो अपने को आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास उसकी वैल्यू कितनी होती है जी एच। फिर पोटेंशियल एनर्जी को आप वॉल्यूम नाल डिवाइड करके देख लें तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपने को मीनस आप लिक्विड दियाँ तीन तरह की एनर्जी डिस्कस की कनैटिक एनर्जी प्रैशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन्हों तिना के सम को आप टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड कहने फिर लिक्विड की जो टोटल एनर्जी लिखनी हो आप इदा लिख सकते हैं लिक्विड की टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज द सम ऑफ प्रैशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड कनैटिक एनर्जी। प्रैशर एनर्जी आप देख चुके हैं पहला फॉर्मूला प्रैशर एनर्जी का ड्राइव कर चुके हैं अपने को प्रैशर इंटू वॉल्यूम होया करता है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होया करती है
ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਲਿਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪੀ ਵੋਲਿਅਮ ਅਪੋਨ ਮਾਸ ਪਲੱਸ ਐਮ ਜੀ ਐਚ ਅਪੋਨ ਐਮ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਐਮ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਐਮ। ਐਮ ਐਮ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਅਪੋਨ ਰੋ ਪਲੱਸ ਜੀ ਐਚ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਰਨੋਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਬਾਰੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਫਲੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੀਮ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੈਮੀਨਰ। ਤਾਂ ਬਰਨੋਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਲਾਈਨ ਫਲੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟੀਮ ਲਾਈਨ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਉਸ ਆਰਡਨਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਵਿਸਕਸ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੋਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਿਸਕੋਸਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਰੈਸੀਬਲ। ਇਨਕੰਪਰੈਸੀਬਲ ਮੀਨਸ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਰੋ 1 ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਰੋ 2 ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ ਬਰਨੋਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਰਨੋਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਫੋਰ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨ ਸਟੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਐਟ ਐਵਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਪਲੱਸ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ। ਸਮ ਆਫ ਦੀਸ ਥ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀਸ ਇਜ਼ ਕੋਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੂਫ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਏਰੀਆ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ A2 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ V1 ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ V2 ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ 1 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਰੋ 2। ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਕੰਪਰੈਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਟਿਊਬ ਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ H1 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? H2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਪੋਜ਼ P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਕੁਇਡ P2 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ P1 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ A ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਐਂਡ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਐਂਡ A 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਵਿਲੋਸਟੀ। ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਐਂਡ 1 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ? F1। ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? B1 ਨਾਲ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਏ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ, ਸੋ A1 ਇੰਟੂ B1। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਔਨ ਐਂਡ A। ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ 'ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? P2 ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਏ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P2। ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P2 ਐਟ ਐਂਡ ਬੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ P2 A2 ਇੰਟੂ V2। ਇੰਨਾ ਵਰਕਡਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੈੱਟ ਵਰਕਡਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨੈੱਟ ਵਰਕਡਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਰਕਡਨ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ 'ਤੇ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਰਕਡਨ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
नेटवर्क डन लिक्विड से कितना होया इस इक्वेशन चो ए वाली इक्वेशन नु सबट्रैक्ट करना पड़ेगा नेटवर्क डन पर सेकंड इज इक्वल टू पी वन ए वन बी वन माइनस पी टू ए टू बी टू तो हम देखो आ चीज ए वन बी वन ए टू बी टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी असं पहला कर चुके हैं कि जोड़ा ए वन बी वन है इज इक्वल टू ए टू बी टू होंगे इनू आप लिखा सी एम अपॉन रो उ मैं लिखा भी सी एम अपॉन रो ठीक है ना तो इनू आप फिर किमें लिखा पी वन एम अपॉन रो माइनस पी टू एम अपॉन रो पी वन माइनस पी टू एम अपॉन रो इन्ना वर्क डन पर सैकेंड लिक्विड से हो रहा है तो यह जी थ्योरम है अपने को ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी से भी बेस्ड हैगी है ला ऑफ कंजरवेशन एनर्जी आप छोटिया क्लासा तो भी पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कदे वेस्ट नहीं होंगी होंगी एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म के कन्वर्ट हो जाती है तो इतने देखो अपने को एनी प्रैशर एनर्जी लिक्विड नूं दित्ती गई एनी लिक्विड ने वापस करती बाकी बचती हुई जो प्रैशर एनर्जी है वह एक तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि इतने लिक्विड हाइट एच वन घट हैगी है जिमें जिमें मूव करते लिक्विड की हाइट बढ़ रही है फिर एक तो आप इनक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लभनी पेगी सैकेंड इतना देखो लिक्विड वड्डे एरिया क्रॉस सैक्शन में एंटर कर रहा है लार्ज एरिया क्रॉस सैक्शन में बी वन वेलोसिटी एंटर कर रहा है इतने एरिया क्रॉस सैक्शन समाल हो जाता है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी इनक्रीज होएगी मीनस इतने बी वन वेलोसिटी घट है बी टू वेलोसिटी ज़्यादा है लिक्विड की कनैटिक एनर्जी भी बढ़ चुकी है यानी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ चुकी है कनैटिक एनर्जी भी बढ़ चुकी है ये दोनों एनर्जियाँ कितों बढ़िया ने जोड़ा नैटवर्क डन अपने को होया तो फिर आप दोनों तरह इनक्रीज इन एनर्जीज देखा पोटेंशियल एनर्जी कितनी इनक्रीज हुई है तो कनैटिक एनर्जी कितनी इनक्रीज हुई है तो इनक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन अपने को आ जाएगा इसी तरह इनक्रीज इन कनैटिक एनर्जी वो आ जाएगा हाफ एम बी टू स्केयर माइनस हाफ एम बी वन स्केयर ठीक है इदू बार हूँ आप दोनों जोड़ने नैट इनक्रीज एनर्जी अपने को आ जाएगी डीयर स्टूडेंट्स हूँ आप इतने अप्लाई करांगे ला ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी तो उसके अकॉर्डिंगली की है नैट वर्क डन पर सैकेंड ऑन द लिक्विड इज इक्वल टू इनक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनक्रीज इन कनेटिक एनर्जी ठीक है नैट वर्क डन पर सैकेंड ऑन द लिक्विड की इक्वेशन आपने इतने पहला ड्राइव की हुई है पी वन माइनस पी टू इन टू एम अपॉन रो इनक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन इनक्रीज इन कनेटिक एनर्जी हाफ एम बी टू स्केयर माइनस हाफ एम बी वन स्केयर हूँ यह सारी इक्वेशन एम नाल डिवाइड कर दिता जाए दोनों साइड पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद एम तो अपने को आ जाएगा पी वन माइनस पी टू अपॉन रो इज इक्वल टू जी एच टू माइनस जी एच वन प्लस हाफ बी टू स्केयर माइनस बी वन स्केयर हूँ रीअरेंज कर लेने वन वाली टर्म्स आप इधर रख लेने टू वाली उधर तो रीअरेंज करने बाद अपने को आएगा पी वन अपॉन रो प्लस जी एच वन प्लस हाफ बी वन स्केयर इज इक्वल टू पी टू अपॉन रो प्लस जी एच टू प्लस हाफ बी टू स्केयर मीन्स बर्नौलीज़ थ्योरम इतने अपने को प्रूफ होंगी है इनू आप इस तरह लिख सकते हैं पी अपॉन रो प्लस जी एच प्लस हाफ बी स्केयर इज इक्वल टू कॉन्सटेंट क्योंकि ये टोटल एनर्जी हैगी अपने को जो लिक्विड को एंटर करवाया जाता है एट एंड डी ते आ टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है जो लिक्विड को एग्जिट कराया जाता है एट एंड बी ते सो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एट द एंड ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एट द एंड बी इनू आप इदा लिख सकते हैं तो इदा बर्नौलीज़ थ्योरम अपने को प्रूफ होंगी है इनू थोड़े जे आप होर डेफिनेशन दे विच कन्वर्ट करांगे बर्नौलीज़ थ्योरम नू थोड़ा होर तरीके नाल भी आप लिख सकते हैं ठीक है वो आप देखते हैं हम
डियर स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀਅਮ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀਅਮ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀਅਮ ਵੀ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰੋ ਅਪੋਨ ਜੀ ਪਲੱਸ ਐਚ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਜੀ। ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈੱਡ, ਪੀ ਅਪੋਨ ਰੋ ਜੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈੱਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ, ਥਰਡ ਵਿਲੋਸਟੀ ਹੈੱਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੀਮਲਾਈਨ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈੱਡ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਵਿਲੋਸਟੀ ਹੈੱਡ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੀ ਅਪੋਨ ਰੋ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਪਲੱਸ ਰੋ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਲੋਸਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਵਿਲੋਸਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ। ਜੇ ਵਿਲੋਸਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੂਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਵਿਲੋਸਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਲਿਕੁਇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਾਲ ਕੰਨੀ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੋਸਟੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀ ਵਨ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਵਿਲੋਸਟੀ ਬੀ ਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀ ਵਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੀ ਟੂ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਵਿਲੋਸਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਵਨ ਅਤੇ ਬੀ ਟੂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਓਰਮ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੋਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਆਈਡੀਅਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਵਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸਕੋਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸਕਸ ਡਰੈਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਕੁਛ ਵਰਕ ਡਨ ਤਾਂ ਵਿਸਕਸ ਡਰੈਗ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਿਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥਰਡ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਰਵਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਵ ਪਾਥ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕਰਵ ਪਾਥ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਕੰਸਿਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ
स्टीमलाइन फ्लो वास्ते है, जो फ्लो स्टीमलाइन तो टर्बुलेंट हो जाता है, ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं। तो यह अपने को 5 जिहड़ियां लिमिटेशन ने बर्नौलीज थ्योरम दियाँ। ठीक है, नैक्सट अपने को है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। हूँ आप बर्नौलीज थ्योरम देखा, ये बर्नौलीज थ्योरम कितने कितने असं अपलाई कर सकते हैं, ये अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज ने बर्नौलीज थ्योरम के। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम आप डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हूँ आप बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन करा, जिमें कि आप पढ़ चुके हैं, जिथे वेलोसिटी बढ़ेगी उत्थे प्रेशर घटेगा। सपोज करो दो कारा एक दूजे को क्रॉस कर रही ने, तो इन्होंने जो एयर है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, साइडों पर जो एयर है उसकी वेलोसिटी घट जाती है, तो साइडों पर प्रेशर बढ़ जाएगा। यह बढ़िया हुआ प्रेशर दोनों कारा पर लगेगा तो उन्होंने एक्सीडेंट होने के चांसिस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह दो कार जो एक दूजे को बड़ा नेड़े तो क्रॉस कर दिया ने, तो उन्होंने एक्सीडेंट होने के चांसिस बढ़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नैक्सट अपनी बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है कि जो स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं, आम तौर पर जो हल्कियां छत्तां ने वो उड़ जांदियां ने, उन्हां दा की कारण हुंदा है आप देखते हैं कि जिद्दा जो तूफान आता है या स्टॉर्म आता है, बाहरले पासे हवा की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, तो इस हट के जो एयर है उसकी स्पीड घट हुंदी है, स्पीड घट होने करके अंदर प्रैशर बढ़ जाता है, बाहरले पासे प्रैशर घट जाता है। ये प्रैशर डिफरेंस ये रूफ पर लगता है तो रूफ जिहड़ी हैगी ब्लोन ऑफ हो जाती है, तो छत्तां वगैरह जिहड़ियां हल्कियां छत्तां ने वह उड़ जांदियां ने। यह भी बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है अपने को। डियर स्टूडेंट्स, नैक्सट अपने को एप्लीकेशन है बनसन बर्नर। इस बर्नर दे विच की हुंदा, इत्थे एक नोजल हुंदी है, नोजल दे विच हाई प्रैशर गैस इत्थों दी पास करवाई जाती है, तो नोजल तो गैस बहुत हाई वेलोसिटी दे नाल हाई स्पीड नाल निकलती है, उहदे नाल विचले पासे प्रैशर घट जाता है, प्रैशर घटन करके बाहरों एयर है जिहड़ी विच एंटर कर जाती है, तो नोजल विच जो गैस है उहदे नाल एयर मिक्स होकर अपने को फ्लेम है जिहड़ा वह बनता हैगा। यह भी अपने को एप्लीकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, नैक्सट अपने को एप्लीकेशन है, ये भी तुसीं आम बचपन च खेडा भी होगा इदा तो देखा भी होएगा कि देखो अपने को एक एयर ब्लोअर है, सामने अपने को एक प्लास्टिक की बॉल हैगी है, जो आप एयर ब्लोअर तो हवा ब्लो करांगे, ये बॉल हवा के विच ही डांस करन लग जाएगी। आपनूं पता है कि जो एयर ब्लोअर तो हवा एयर बड़ी तेज वेलोसिटी नाल निकलेगी तो इत्थे प्रैशर घट देगा, सराउंडिंग वाली एयर का प्रैशर ज़्यादा होएगा, ज़्यादा प्रैशर ये बॉल नूं इत्थे ही होल्ड करके रखेगा। तो यह भी बर्नौलीज थ्योरम की अपने को एप्लीकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, अपने को बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है, एक तरह की गेम भी है अपने को। देखो इत्थे बॉल्स ने थर्मोकोल दियाँ, तो तुहाडे लई चैलेंज है तुसीं बॉल नूं बिना हाथ लगाए इस बाउल चों लिफ्ट करना है। तो ये असीं की करांगे, एक प्लास्टिक की पाइप लैके आवांगे, प्लास्टिक की पाइप थर्मोकोल दी जो बॉल्स है उसके उपर रखांगे, तो उपर एयर ब्लोअर नाल एयर ब्लो कर देंगे, जो आप बहुत हाई स्पीड नाल एयर इत्थे ब्लो करांगे तो इत्थे प्रैशर घट जाएगा, विच प्रैशर ज़्यादा होने करके प्रैशर ज़्यादा होने करके राइज हो जाएंगे, आ देखो इत्थे दिख रही ने, तो अपने आप अपने को इस कंटेनर चो बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारिया अपने को एप्लीकेशन ने, इदा ही आटोमाइजर है जोड़ा स्परे पंप है, अपने देखा स्परे पंप में ही पंप हों, तो पंप न हाई स्पीड के नाल जो एयर ब्लो करवाई जाती है तो कंटेनर के एक टी शेप पाइप होंगी है, पाइप के लिक्विड उपर आ जाता है प्रैशर डिफरेंस करके, तो जिहड़ी एयर ब्लोअर होंगी है उहदे मिक्स होकर स्परे हो जाता है। तो इदा अपने को बर्नौलीज थ्योरम दियाँ डेली लाइफ में बहुत सारिया एप्लीकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, नैक्सट एप्लीकेशन है अपने को एयर फॉयल। तुसी एरोप्लेन उड़ता देखा होगा, ये विंग्स है जो इनू असी एरोप्लेन के नाँ के नाल जानते हैं, तो देखो यदि शेप इदा की होंगी है, नीचो यह आलमोस्ट फ्लैट हुंदा है, उपरों कर्वड हुंदा है। जो एरोप्लेन हाई स्पीड के नाल चलाया जाता है तो उदो उपर वाली साइड पर एयर ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, नीचों फ्लैट होने करके एयर आलमोस्ट एज इट इज़ रही है, उपर एयर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, नीचे एयर की वेलोसिटी घट जाती है, तो उपर वेलोसिटी ज़्यादा होने करके प्रैशर घट जाता है, इत्थे प्रैशर घट जाता है, तो नीचे जो लोअर साइड है विंग की इत्थे प्रैशर बढ़ जाता है, तो दोनों विंग्स से प्रैशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिदे नाल एरोप्लेन है जिहड़ा वो लिफ्ट हुंदा हैगा। यह भी अपने को एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की। डियर स्टूडेंट्स, हुण आपां बर्नौलीज थ्योरम की एक्सपैरीमेंटल वेरीफिकेशन करांगे। एक बारी फिर मैं दोहराना चाहना है, बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली जिथे वेलोसिटी बढ़ेगी उत्थे प्रैशर घटेगा। सपोज करो अपने को दो पेपर ने, मैं इन्हां दे विचाले एयर ब्लो करूँगा, जो एयर ब्लो करूँगा विचाले वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो विचाले प्रैशर घट जूगा,
तो साइडां ते प्रेशर अपने कोल ज़्यादा होगा तो यह एक दूजे के नेड़े आने चाहिए ने। यह आप एक्सपेरीमेंट हुण करके देखते हैं। अरे जदों ही आप एयर ब्लो करते हैं तो सेम बर्नौलीज थ्योरम प्रूफ होंदी है कि विचाले हाई वलॉसिटी एयर चलन के नाल विच इन्हां दे वलॉसिटी एयर की वध जाती है, विच प्रैशर घट जाता है, साइडां ते प्रैशर वध जाता है। ये प्रैशर का डिफरेंस है जो दोनों पेपर्स नूं क्लिंग कर जाता है, एक दूजे के नेड़े लिआउंदा है। तो इस नाल बर्नौलीज थ्योरम है जो एक्सपेरीमेंटली वेरीफाई होंदी है। डीयर स्टूडेंट्स, ये सी अपना टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम। होप कि तुहानू ये जिहड़ा टॉपिक है वह पूरी तरह समझ आया होगा। थैंक यू।